नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों का मैं एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, बड़ी अपडेट हमारे सभी पेंशन धारकों के लिए ORP पेंशन रिवीजन और आपके एरियर भुगतान पर निकल कर आई है। आज हम आपको बिल्कुल आपकी रैंक के अकॉर्डिंग अच्छे से कैलकुलेट करके बताएंगे। काफी सारे हमारे पेंशन धारक कंफ्यूज हैं एरियर को लेकर, तो एरियर आपका कितना बनेगा टोटल विद कैलकुलेशन, आपकी रैंक, आपकी क्वालिफाइंग ईयर ऑफ सर्विस के अकॉर्डिंग हम आपको अच्छे से बताएंगे। अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आपको आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि आपके जो एरियर्स बनता है ORP का फ्रॉम जुलाई 2019 से लेकर आपका जून 2022 तक टोटल हम बताएंगे। हम यहाँ पर एक सिपाही के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी रिटायरमेंट के अकॉर्डिंग जो इनकी नेट क्वालिफाइंग ईयर ऑफ सर्विस बनती है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बिल्कुल इजी कैलकुलेशन में बताएंगे। यहाँ पर 2.57 फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये आपकी बेसिक पेंशन, और जो इसमें टोटल पर मंथ यानी कि बेसिक पर मंथ जो डिफरेंस जो निकलता है डिफरेंस, वो बनता है 4196, यानी आपका वन मंथ का जो बनता है, यहाँ पर हम मेंशन भी कर लेते हैं वन मंथ का आपका बनता है 4196, तो ये बनता है आपका वन मंथ का। अब हम बात करते हैं आपके पूरे साल का, यानी कि एक साल का आपका कितना बनेगा, यानी 4196 मल्टीप्लाई 12 मंथ्स के अकॉर्डिंग आपको, यानी कि वन ईयर का आपका यहाँ पर निकलेगा टोटल। तो वन ईयर का आपका निकलेगा यहाँ पर कैलकुलेशन के बाद 50,352 रुपये, ये आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन है। ये हो गया आपका वन ईयर का, और आपका निकालना कितना है 2019 से 2022 का, यानी कि टोटल निकालना है थ्री ईयर्स का, तो हम थ्री ईयर्स का निकालेंगे। तो थ्री ईयर्स के लिए यहाँ पर हमें एक ईयर का मिल गया है 50,352 रुपये टोटल, तो अब हम तीन साल का यहाँ पर सीधे तौर पर निकालते हैं, तो ये कैलकुलेशन जो टोटल कैलकुलेशन बनती है वो बनती है 1,51,056 रुपये, यानी आपकी करीबन एक राउंड फिगर में हम जाने तो करीबन करीबन आपकी 1.5 लाख रुपये ये आपका एरियर बनता है, और ये इस रैंक और क्वालिफाइंग ईयर ऑफ सर्विस के अकॉर्डिंग बनता है, यानी आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपका जो होगा वो इस कैलकुलेशन का जो तरीका है वो यही रहेगा, इसी प्रकार से आपका जो है एरियर कैलकुलेट किया जाएगा। एक चीज हम आपको ये बता दें कि इसमें जो आपका DA है, यानी DA जो हाल फिलहाल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 38% जो होगा वो इसमें ऐड होना बाकी है, यानी वो DA इसमें ऐड नहीं किया गया है, वो इसमें ऐड किया जाना बाकी है। जो आपका टाइम टू टाइम चेंज होगा, यानी कि हो सकता है अभी आपका रिवीजन जो होगा उसके अकॉर्डिंग आपका 38% ये रहेगा, तो उसी प्रकार से आपका DA इसमें ऐड हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी ये फाइनल लिस्ट बनेगी। आप ये हमने एक आपको एग्जांपल के तौर पर बिल्कुल आसानी से समझाया है, फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको किसी और रैंक के लिए आपको बिल्कुल डिटेल में जानना है, बिल्कुल इजी वे में आपको किस प्रकार से कैलकुलेशन के बारे में जानना है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं आपको किस रैंक के लिए और किस क्वालिफाइंग ईयर ऑफ सर्विस के अकॉर्डिंग रैंक और आपकी क्वालिफाइंग ईयर ऑफ सर्विस के अकॉर्डिंग आप पूछ सकते हैं। आपको उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में जो आप रैंक चाहते हैं उस रैंक का भी डिटेल में आपको एरियस बताएंगे। तो हमने ये यहाँ पर एक सिपाही के एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया किस प्रकार से आपका एरियर भुगतान किया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपने साथी पेंशन धारकों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर लें, जिससे कि उनको भी ये अपडेट प्राप्त हो सके। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी पेंशन धारकों को जय हिंद जय भारत।